कि G20 की मीटिंग हुई है, अब वो इंडोनेशिया में मुनकिद करवाई जा रही है। समिट जो है G20 की, उसमें ग्रैंड 20 कंट्रीज है और उसको लीड करने वाला और कोई नहीं, नरेंद्र मोदी और हम साया मुल्क हमारा इंडिया, उनके प्राइम मिनिस्टर उसको लीड कर रहे हैं। अब उस ग्रैंड 20 मीटिंग्स में क्या होगा कि नरेंद्र मोदी कुछ भी मनवा सकते हैं 20 कंट्रीज से, लेकिन उस 20 कंट्रीज में पाकिस्तान शामिल नहीं है। क्या आपने जिस बंदे का नाम लिया ना, वो सुन के ना खून खोल रहे हैं मोदी साहब का नाम लेके, क्योंकि वो तो है ही मुसलमानों के हक में गलत तरीन इंसान है ना। मोदी कैसा काम कर रहा है अगर हम देखें तो हर कोई जो है उनके साथ ट्रेड करना चाह रहा है। इवन के मोदी की गवर्नमेंट में 8 साल गवर्नमेंट में ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हुआ और उसके अलावा उनका जो GDP रेट है वो भी ज्यादा हुआ है। कैसा काम कर रहा है फिर वो अपने मुल्क के लिए? मैं सच इंडिया की इकॉनमी को तो ज़्यादा स्टडी नहीं करता, लेकिन कंपैरेटिवली अगर पाकिस्तान से देखा जाए तो वो डेफिनेटली बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी कहा है कि नरेंद्र मोदी का नाम सुन के खून खोल रहा है क्योंकि वो मुस्लिम्स के खिलाफ है। अगर हम देखें तो आज इंडिया 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका है। पिछले 20-25 साल में हर मुल्क ऊपर गया है, इंडिया की कोई हैसियत नहीं थी वो भी ऊपर गया है। उसकी रीज़न इतनी है कि हर मुल्क ने तरक्की की, हम लोग नहीं तरक्की कर सकते। हम मजदूर लोग, हम लेबर तबका 12 घंटे की बजाय 16 घंटे काम करेंगे अपने मुल्क की खातर। जी पाकिस्तान को लग गई है मिर्ची, क्योंकि G20 समिट के अंदर मोदी जी कर रहे हैं 20 कंट्रियों को लीड यार, और जहाँ पर पाकिस्तान को पूछा तक नहीं जा रहा है। पाकिस्तान दूसरे देशों को हाथ बोलता लगाता रहता है कि यार हमें भी समिट में बुला लो, हमें भी गेट के ऊपर बैठा लेना, लेकिन हमें समिट में बुला लो, लेकिन इनको कोई बुलाता ही नहीं है भाई। इसके बाद इनकी फट के हाथ में आती है यार इंडिया तो यार बहुत ऊपर जा चुका है, हम तो अपनी गहराई में पड़े अभी भी। पाकिस्तान के लोगों का क्या रिएक्शन है मोदी जी के ऊपर और G20 समिट के ऊपर, तो चलिए देख लेते हैं। कि G20 की मीटिंग हुई है, अब वो इंडोनेशिया में मुनकिद करवाई जा रही है। समिट जो है G20 की, उसमें ग्रैंड 20 कंट्रीज है और उसको लीड करने वाला और कोई नहीं, नरेंद्र मोदी और हम साया मुल्क हमारा इंडिया, उनके प्राइम मिनिस्टर उसको लीड कर रहे हैं। अब उस ग्रैंड 20 मीटिंग्स में क्या होगा कि नरेंद्र मोदी कुछ भी मनवा सकते हैं 20 कंट्रीज से, लेकिन उस 20 कंट्रीज में पाकिस्तान शामिल नहीं है। क्या रीज़न है जो कि इंडिया शामिल हो सकता है 75 सालों में लेकिन पाकिस्तान ही शामिल हुआ? उसका कोई एक फैक्टर या एक रीज़न तो नहीं है, इसके मल्टीपल रीजंस हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ मेरी नज़र में वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और इसके अलावा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान की जो लेट क्लास है उसका इशू ये है कि उसकी जो प्रेफरेंसेस और हैं, सेल्फ फोकस नहीं है, मुल्क को लेकर सीरियस नहीं है, और उनकी जो भी पॉलिसीज़ होती हैं वो ख़ुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपने आने वाली नस्लों की ग्रोथ के लिए, मुल्क के जो गरीब अवाम हैं उनकी ग्रोथ के लिए कोई पॉलिसीज़ नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। हमारा तालीमी निज़ाम दुरुस्त नहीं है, उसका भी फ्लॉज़ हैं, और बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से हम उसमें शामिल नहीं हैं। अब कंपेरिज़न भी कर लें इंडिया के साथ, मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दूँगा कि इंडिया की जो पोलिटिकल सिस्टम है उसमें सिस्टम ये है कि अगर कोई भी इंडस्ट्री ने आगे वहाँ पे काम करना है तो उनको वहाँ पे सेटअप लगाना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है, टेक्नोलॉजी शिफ्ट करना पड़ता है। पाकिस्तान में मसला ये है कि पाकिस्तान में यहाँ पे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को ले लें, यहाँ पे सिर्फ असम्बलिंग हो रही है, जापान से, कोरिया से, चाइना से सिर्फ चीज़ें आती हैं, बनी बनाई यहाँ पर असम्बल होती हैं और सेल हो जाती हैं, और वही पैसे जो होते हैं वो सारे बाहर चले जाते हैं। तो ये और बहुत सारी चीज़ें हैं, हम सिर्फ एक चीज़ को नहीं, इसके लिए तो बड़ा बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, ये बहुत बड़ा इशू है जिसको हम बड़े इसको बड़ा टाइम चाहिए डिस्कशन के लिए। अगर हम इंडिया की बात करें तो वो हर वो कंट्री के साथ ताल्लुक बना चुका है जो कि हम नहीं बना सके, लेकिन अगर हम टाइम पीरियड देखें तो 75 साल ही दोनों मुल्कों को हुए हैं। क्या रीजन है, क्या फैक्टर्स हैं, क्या पॉलिसीज है जो कि इंडिया वर्क कर रहा है उसके ऊपर? पहले तो ये है कि कोई पॉलिसी कंसिस्टेंट है ही नहीं, एक पॉलिसी किसी भी पर्पज़ के लिए बनाई जाती है तो अगली गवर्नमेंट आके उसको डिरेल कर देती है। अब वो पॉलिसी एक तो लॉन्ग टर्म के लिए बनाई जाती है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी बनाई जाती है तो वो शॉर्ट टर्म से भी शॉर्टर हो जाती है क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। हमारे पाकिस्तान में अब 75 सालों में कोई भी गवर्नमेंट जो अपना टेन्योर ही नहीं पूरा कर सकी, कोई भी एक भी वज़ीर आज़म जो है वो पूरे 5 साल नहीं कर सका। सबसे बड़ी वजह तो मेरी नज़र में ये है। आपको क्या लगता है आने वाला फ्यूचर हमारा अच्छा हो पाएगा, जैसे 75 साल हमने एक तवील अरसा जो है अपना गुजार दिया है वेस्ट करके, ना हमारे यहाँ इंडस्ट्री पे काम हुआ, ना मेड इन पाकिस्तान पे काम हुआ, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं काम हुआ। बरअक्स अगर हम छोटे मुल्कों की बात करें, जापान, दूसरे मुल्कों को देखें, ताइवान या फिर इसराइल की बात करें, किसी भी मुल्क छोटे मुल्कों को देखें तो वो हमसे बेहतर आज इकोनॉमी रख रहे हैं, उनके रिजर्व ज़्यादा अच्छे हैं। 1971 में बांग्लादेश अलग होकर रिजर्व हमसे ज़्यादा रख रहा है, क्या पाकिस्तान का फ्यूचर अच्छा हो पाएगा? देखिए बेस बात यह है कि कोई भी मुल्क जो होता है ना उसके बेसिक सुतून होते हैं, पिलर्स होते हैं, उसको खड़ा होने में नेशन बिल्डिंग होती है, उसके अलावा एक आपका इंसाफ का सुतून होता है, पॉलिटिकल सुतून होता है, एस्टेब्लिशमेंट का, आर्मी का भी रोल होता है, पुलिस का होता है, इंतज़ामिया का होता है, इसके अलावा आपका इकोनॉमिक रोल होता है। आप अपने मुल्क में किसी भी चीज़ को उठा के देख लें, कोई भी चीज़ आपकी स्टेबल नहीं है। एक गरीब आदमी जो इंसाफ के लिए ज़ीरो से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो उसको इंसाफ नहीं मिलता, बरअक्स एक ऐसा आदमी जो पावर वाला है, पैसे वाला है, फेम वाला है, वो एक छोटी सी एप्लीकेशन दायर करता है रात के 12 बजे भी करे तो उसको सुबह इंसाफ मिल जाता है। आपको लगता है हम लोग सिर्फ इस टाइम आप मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं, मिनोरिटीज़ भी इधर रहते हैं, क्या आपको लगता है हम दोनों के साथ बराबर का सलूक कर रहे हैं?
बिल्कुल नहीं कर रहे मेरी नज़र में, तो हम मिनोरिटीज के साथ बिल्कुल बराबर का सलूक नहीं कर रहे। ऑन कुछ चीज़ों पे या कुछ लेवल्स पे हम समझते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम नहीं कर रहे हैं। आप इस बात को वैसे आगे बढ़ने के तो मौके सब लोगों के पास बराबर होते हैं, लेकिन अब आप ये सिर्फ ये देख लें कि हम क्रिश्चियंस को कौन से काम करवाते हैं, उनसे हम कौन से काम करते हैं। वैसे तो हमारी अवाम क्रिश्चियन और हमारी जो लोअर मिडिल क्लास है, लोअर क्लास जो है, उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। वो सेम लाइफ पे, एक लेवल पे लाइफ गुजार रहे हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं, वो भी वही कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मजहबी आज़ादी के हवाले से बात करें तो फिर उनको आज़ादी हासिल है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अगर आप पर्सनल ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो फिर उसमें मैं ये समझता हूँ कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती या उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता टू सम एक्सटेंट। हम अरब कंट्रीज़ की बात करें तो अफगानिस्तान का भी जान भी हमारी तरफ नहीं है, टर्की का भी नहीं है, बांग्लादेश का भी नहीं है, सऊदी अरेबिया में अगर हम देखें या फिर हम अपने मोहम्मद बिन सलमान की बात करें तो वो भी इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें बनस्बत पाकिस्तान में। अभी रिसेंट जो है उन्होंने ये भी कहा था कि मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा। क्या रीज़न्स हैं जो कि हमारी अरब कंट्रीज़ भी डाइवर्ट हो रही हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो आपने स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन किया है, इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में जो एक गवर्नमेंट बनती है ना, उसके फ्यूचर का उसको खुद को नहीं पता होता कि मेरा फ्यूचर क्या है, मैंने 5 साल पूरे करने हैं या नहीं करने हैं। मोदी कैसा काम कर रहा है? अगर हम देखें तो हर कोई जो है उनके साथ ट्रेड करना चाह रहा है। इवन के मोदी की गवर्नमेंट में 8 साल गवर्नमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हुई है, और उसके अलावा उनका जो GDP रेट है वो भी ज़्यादा हुआ है। कैसा काम कर रहा है फिर वो अपने मुल्क के लिए? मैं सच इंडिया की इकॉनमी को तो ज़्यादा स्टडी नहीं करता, लेकिन कंपैरेटिवली अगर पाकिस्तान से देखा जाए तो वो डेफिनेटली बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी पॉलिसीज अपने मुल्क के लिए बहुत बेहतर हैं और वो अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचते हैं। उनकी वहाँ भी एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन वहाँ की जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ज़्यादा है। एस्टेब्लिशमेंट का भी इन्फ्लुएंस है, लेकिन उनकी जो पॉलिसीज़ है ना मुल्क के लिए, वो एक गवर्नमेंट बनाती है तो दूसरी आके उसको डिरेल नहीं करती है, वो उसको कंटिन्यू करती है, उसको कंप्लीट करती है, उसके बाद फिर नई पॉलिसीज़ बनती हैं। हमारे मुल्क में ये मसला है कि हम एक पॉलिसी बनाते हैं तो यहाँ पे सियासी इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं, वो शिद्दत इतने ज़्यादा अख्तियार कर जाते हैं कि वो मुल्क के फ़ायदे को बलाए ताक रख के उन पॉलिसीज़ को डिरेल कर देते हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू सो मच। बात तो ये कि आपने जिस बंदे का नाम लिया ना, वो सुन के ना खून खोल रहे मोदी साहब का नाम लेके, क्योंकि वो तो है ही मुसलमानों के हक में गलत तरीन इंसान है ना। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक यहाँ की बात है ना, ये हमारे हुक्मरान नहल ऊपर से उन्होंने हमें भी इस काबिल बना दिया है कि यहाँ पे हमारे तालीम का निज़ाम ही नहीं बनाया कि हम लोग अपने अंदर इतनी सलाहियत इम्प्रूव कर सकें कि दुनिया की आंखों में आंखें डाल सकें। ऐसे हमें हुक्मरान मिले हैं और वही जिल्लत आज हमें उठानी पड़ रही है जो दुनिया में हमारे साथ हो रहा है। आपने कहा है कि नरेंद्र मोदी का नाम सुन के खून खोल रहा है क्योंकि वो मुस्लिम्स के खिलाफ है। अगर हम देखें तो आज इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। अगर हम देखें वहाँ पर मिनोरिटीज़ के साथ ठीक है होता होगा, बहुत ज़्यादा इख्तलाफात भी हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन अगर हम देखें तो वहाँ पर मेजोरिटी में मुस्लिम जो हैं वो बड़े बड़े फाइज हैं उहदों पर। अगर हम देखें तो वो लोग खुद कन्विंस करते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर हकूक मिल रहे हैं। उसके अलावा अगर हम कश्मीर की भी बात करें तो कश्मीर में भी लार्जेस्ट सिनेमा, लार्जेस्ट ब्रिज, उसके अलावा G20 की मीटिंग, मतलब बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल रही हैं। पाकिस्तान में क्या मिल रहा है? पाकिस्तान में देखिए, जब तक हमारे हुक्मरान नहीं ना ठीक हो सकते तब तक आवाम भी ठीक नहीं है। वो जो आपने बात की है ना कि वो लोग इतने हमारा खून खोलते हुए भी वो इतने कामयाब क्यों हैं, तो उसकी मेन रीज़न ही इतनी है कि उन लोगों का काफ़ी कुछ तो एक उनकी वो जो वर्थ है उनकी कौम की वो बहुत ज़्यादा है। हर मुल्क का इंटरेस्ट है उधर, उनको पता है कि यहाँ से हम लोग खाली एक माचिस की तीली भी बना के भेज देंगे ना तो हमें अरबों रुपया मिल जाना है। ये उनके अंदर ये क्वालिटी है। अदरवाइज़ आप कंपेयर करें ना तो उनमें कोई ऐसी क्वालिटी या ऐसी कोई खूबसूरत, उन्होंने मेड इन इंडिया पर काम किया है। मेड इन इंडिया आज उनके मुल्क में कोई चीज़ नहीं आती सिवाय मेड इन इंडिया यूज़ होता है। हमारे यहाँ पे तो बाहर से चाइना, अमेरिका, इंडिया। जिस टाइम हम लोगों का जागने का, मेहनत करने का, स्ट्रगल करने का टाइम था ना, हम लोगों को इन्होंने लगाया हुआ है वो धरनों में, जलालत में, कि यहाँ पे ये गुरबत है, यहाँ पे ये गुरबत है। जो पिछले 20 साल गुजार दिए हैं ना हमने, और जो हम लोग अगले 100 साल में भी नहीं वापस ले के आ सकते, उसका नतीजा भुगत रहे। पिछले 20-25 साल में हर मुल्क ऊपर गया है, इंडिया की कोई हैसियत नहीं थी वो भी ऊपर गया है। उसकी रीज़न ही इतनी है कि हर मुल्क ने तरक्की की, हम लोग नहीं तरक्की कर सकते। वही मुल्क है जो कर्जे देता था, आज वही मुल्क है जो कर्जों पे जी रहा है। अगर हम देखें तो IMF जैसे को कहा है कि नहीं भाई अब आपके लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है। हम जब अपने हुक्मरानों से सुनते हैं जी सीरी वो अपना सीरिंग जो है वो मुल्क आके हमसे एडवाइस लेता था या कर्जे हमने दिए उनको, तो यकीन माने हम लोग देखते हैं यार ये वाकई ऐसा होता था। काश वो वक्त हमारे हुक्मरानों ने संभाला होता तो आज हम लोग भी किसी काबिलियत किसी मुकाम पर बैठे होते, आज हम भी अपने आप पे फ़ख्र महसूस करते।
कि आने वाला टाइम पीरियड पाकिस्तान के लिए कैसा नजर आ रहा है, क्योंकि आज हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज है वो भी हम लोगों को बैकएंड पे करके इंडिया को प्रेफर करने वाला वक्त यही है कि ये हम लोगों को जो है सुलते दें, हमारे साथ हर तरह का कोऑपरेट करें। हम मजदूर लोग, हम लेबर तबका 12 घंटे की बजाय 16 घंटे काम करेंगे अपने मुल्क की खातर। कोई बात नहीं, हमें गरीबों को भी टैक्स देना पड़ता है, हम देंगे, लेकिन कम से कम हमारे मुल्क के बच्चों का फ्यूचर तो बने, चले हमारी ज़िंदगी तो गुजर जाएगी। क्या रीजंस है जो कि बाहर के मुल्क में इंटरनेशनल बेस अगर हम देखें तो पाकिस्तानी सिर्फ लेबर की हद, मजदूर की हद तक जाते हैं, लेकिन जो इंडियंस हैं वो बड़े बड़े CEO, ब्रांड एम्बेसडर या किसी और ओहदों पर फायज होते हैं, क्यों? उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने एजुकेशन का इंतज़ाम अपने मुल्क में शुरू से अच्छा रखा था, जिसकी वजह से आज वो अच्छी पोस्टों पर बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम लोगों को इन्होंने जहली बना के रखा है। पाकिस्तान तो कहता है कि इंडियन लॉबी है जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को आगे नहीं आने दिया जाता। नहीं नहीं, वो देखिए अपनी काबिलियत की वजह से आई है ये चीज़ का, तो हम भी अपने बड़ों से सुनते थे कि 70-75 में उनके अंदर एजुकेशन का निज़ाम बहुत अच्छा बन गया हुआ था। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर लिटरेसी रेट इंडिया का ही आता है, और इंग्लिश बोलने वाले भी मुल्क इंडिया ही आता है। वहाँ पर गरीब भी देखेंगे वो भी इंग्लिश बोलता हुआ नज़र आएगा। उसकी रीज़न ये है कि वो लोग आखिर का टाइम लेते लेते आज अच्छी कंपनियों में अच्छी एजुकेशन की वजह से अच्छी पोस्टों पर बैठ गए हैं, हम लोग नहीं। क्या इंडियन फ्यूचर कैसा रखते हैं पाकिस्तानी जो नहीं रखते, जो पाकिस्तानी बाहर को प्रेफर करते हैं अपॉर्चुनिटी के लिए बाहर जाते हैं अपने मुल्क को छोड़ के? हमें सिर्फ 10 साल मिल जाएं किसी भी अच्छे हुक्मरान के, मैं इमरान खान नवाज शरीफ की बात नहीं करता, कोई भी अच्छा अल्लाह पाक हमें लीडर दे दे 10 साल, सिर्फ हम ये कौम आपको इंशाल्लाह ताला इनका मुकाबला भी करके दिखाएगी और इनसे आगे भी बढ़ के दिखाएगी। बहुत अच्छा लगा था। तो जी जहाँ पर मोदी जी एक G20 समिट को लीड कर रहे हैं, वहाँ पर पाकिस्तान को भाई पूछा तक नहीं जा रहा। पाकिस्तान के लोग भाई बहुत आज फील कर रहे हैं, पाकिस्तान को पता लग गया उनके औकात क्या है। और मोदी जी यार जिसको गाले देते रहते भाई, ये क्या कह रहे हैं मोदी जी, मतलब इंडिया तो कुछ भी नहीं है, इंडिया तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सालों सॉरी गाली नहीं देते, इंडिया तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतनी भूखमरी नहीं है भाई, हम इतने गरीब नहीं है, इतने कर्जे नहीं लेते, हमारे यहाँ इतने रेप नहीं होते, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था इतनी बेकार नहीं है, हमारे यहाँ इतने बेकार पॉलिटिशियन नहीं है, इसलिए इंडिया कभी भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। सच्ची बात है। लोग दोस्तों G20 समिट के रिएक्शन पाकिस्तानी लोगों के क्या थे, आपके लिए लेकर के आए, बहुत डिमांड थी आप लोगों की वीडियो लेकर के आओ, तो हम लेकर के आए आप लोगों के लिए। और ऐसी बेहतरीन वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती है, तो भाई थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ भाई, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखा करो यार, जरूर से जरूर लिखा करो भाई जय हिंद, क्योंकि इतनी अच्छी प्राउडली वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए। तो मिलूंगा आपको अगले वीडियो के लिए, बाय बाय।